नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में एलेंस की नोट से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। और हम इसको एलेंस की नोट के साथ साथ कुछ अदर मेडिसिनें जो आएंगी बीच बीच में कंपैरिजन, उससे कंपैरिजन भी कराते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की मेडिसिन हम स्टार्ट करने वाले हैं एलमुना। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, एलमुना कॉमन नेम इसका क्या होता है, प्योर क्ले होता है। और इसका केमिकल फार्मूला जो होता है एलमुनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका होता है अडाप्टिव टू पर्सन हु सफ़र फ्रॉम द क्रॉनिक डिजीज। एक पर्सन होगा जो क्रॉनिक डिजीज से सफ़र करता होगा। द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, इसको क्या कहते हैं, एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। कॉन्स्टिट्यूशंस डेफिशिएंट इन एनिमल हीट, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली ही इस क्या होते हैं, बॉडी में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ही इसका ऐसा होता है कि लैक ऑफ एनिमल हीट होती है। मतलब ये बोले तो बॉडी में इसको हीट की कमी होती है। अगर इसके पैर, अगर क्लिनिकली आप देखेंगे इसके पैर हाथ के तलवे वगैरह टच करेंगे तो एकदम कोल्ड होगा, ठंडा होगा, गर्मियों के दिनों में भी ठंडा होगा। ऐसा साइलिशिया में आपको देखने को मिल जाएगा, कैल्केरिया में देखने को मिलेगा। और इसमें कंपैरिजन नहीं कराया है, मैं और मेडिसिनों को बता दे रहा हूँ। इसमें आपको लीडम पाल भी मिल जाएगी, लीडम पाल और सीपिया, ये दो मेडिसिनें और मिल जाएंगी। तो लीडम पाल जो है एक्यूट कंडीशन के लिए मिलेगी और सीपिया जो है क्रॉनिक कंडीशन के लिए मिल जाएगी। स्फेयर ड्राई थिन सब्जेक्ट डार्क कॉम्प्लेक्शन, और पर्सन कैसा होगा, ड्राई थिन दुबला पतला होगा सब्जेक्ट और डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा। मेंटली कैसा होगा, माइंड चीयरफुल डिस्पोजिशन, पर्सन जो होगा माइल्ड नेचर का होगा। अगर माइल्ड की हम बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में पल्सरटी लगाती है, बट इसमें क्या है, माइल्ड जेंटल नहीं लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है माइल्ड। नर्म स्वभाव का होगा पर्सन, चीयरफुल होगा, चीयरफुल का मतलब बहुत खुश मिजाज नेचर का होगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला होगा, ऐसी प्रवृत्ति होगी। हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब ये होगा कि पर्सन को लगेगा कि मैं अंदर से बीमार हूँ, उसको हमेशा ये फील होता है कि ये रोग भ्रमी होता है। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब ये होता है रोग भ्रमी, पेशेंट को ये लगेगा मैं बीमार हूँ अंदर से, जबकि ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। ड्राई टीटरी इचिंग इरप्शन और इन द विंटर, इसके स्किन पे कैसा होगा, ड्राई टीटरी इरप्शन होगा। टीटरी का मतलब होता है दोस्तों इंटेंस इचिंग ऑफ द बॉडी, स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होगी इसके। और कब कंप्लेन इसकी बढ़ती है, वर्स इन विंटर, इसकी कंप्लेन ऑलरेडी ये चीली है और कंप्लेन जो होती है स्किन की ये स्पेशली विंटर में बढ़ जाती है। पेट्रोलियम एक मेडिसिन है, उसमें भी बढ़ जाती है। और एक मेडिसिन और है दोस्तों, मैं जो कंपैरिजन बता रहा हूँ वो इसमें नहीं दिया हुआ है। पेट्रोलियम के साथ साथ एक मेडिसिन और है यहाँ पे, सुराइनम, सुराइनम की भी कंप्लेन जो है बढ़ जाती है कोल्ड से, और ठंडियों में स्पेशली बढ़ती है। और एक और मेडिसिन है एलोज, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे एलोसोकोट्रिना, तो ये भी मेडिसिनें जो हैं कंप्लेन ठंडियों में बढ़ जाती है। इनटॉलरेबल इचिंग ऑफ होल बॉडी व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड, उसकी पूरी शरीर में क्या होती है, इनटॉलरेबल असहनीय जो है पूरी शरीर में जो है कि इचिंग होगी। और जब पाया जाएगा वार्म इन बेड पे, जब रूम बंद होगा बेड पे पाया जाएगा वार्म कंडीशन में, उस समय बहुत ज़्यादा होगी। और ये चीज़ें आपको सल्फर में भी देखने को मिलेगी। और फिर से दोबारा यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो सीपिया में भी ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। सीपिया में भी जब पेशेंट जाता है बेड पे, और स्पेशली इवनिंग में सीपिया पे सर्थ, तो उसमें जो है मिल जाती है, स्क्रैचिंग होगी बहुत ज़्यादा, इंटेंस इचिंग होगी, बर्निंग होगी सल्फर में और सीपिया दोनों में मिलेगा। स्क्रैचेज अंटिल ब्लीड, मगर एक चीज़ एलमुना में सीपिया से और
अदर मेडिसिनों से डिफर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इनमें क्या होता है, जैसा लिखा हुआ है, स्क्रैच अंटिल ब्लीड देन बिकम पेनफुल। जब तक इसको ईचिंग तब तक करता है बॉडी में जब तक ब्लड ना निकल जाए, ये सबसे अलग होता है। हालांकि सल्फर में ऐसा नहीं है, ना ही सीपिया में, बट एल्मुना में ऐसा है। वो ब्लीडिंग जब तक हो नहीं जाएगी तब तक वो पेनफुल जब तक होगा नहीं तब तक वो करता रहेगा स्क्रैचिंग। टाइम पास स्लोली स्लोली, ये बहुत सारी मेडिसिनों में है। यहाँ पे एन आवर सिंस हाफ अ डे, उसको लगेगा कि आधा घंटा जो है पूरा एक दिन के बराबर है। कैनबिस इंडिका में है, और यहाँ पे और सारी मेडिसिनें हैं, कैनबिस सटाइबा, अर्जेंटम नाइटिकम और मेडुराइनम। इन सारी मेडिसिनों में क्या है, टाइम पास टू स्लोली स्लोली, बहुत धीमा धीमा होता है। अर्जेंटम नाइटिकम और आपका कैनबिस इंडिका, कैनबिस सटाइबा, मेडुराइनम, इन सब मेडिसिनों में क्या होता है, टाइम बहुत स्लो स्लो पास होता है। एक और मेडिसिन है, बट ये एलन्स की नोट हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, अम्ब्राग्रीसिया। अम्ब्राग्रीसिया में भी टाइम जो होता है बहुत स्लो स्लो कटता है उसका। अगर टाइम फास्ट की बात करें तो अलग मेडिसिनें आ जाएंगी, खैर उसको हमें चर्चा नहीं करना। इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद द आई ओपन, इसको क्षमता नहीं होती है कि कोई भी चीज़ें वॉक करे, घुमाए, मूव करे, बस एक चीज़ों को छोड़ के आई ओपन रहती है इसकी। एंड इन द डे टाइम टोटरिंग इन द फॉलिंग वेन क्लोज आई, अर्जेंटम नाइटिकम, जेलसीमियम में भी है। एबनॉर्मल एपेटाइट क्रेविंग फॉर स्टार्च, चाक, चारकोल, क्लॉव। फिर यहाँ पे आपको एक नई चीज़ें मिल रही है, क्लॉव, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे। मतलब इसको इतना ज़्यादा भूख लगी है, नॉर्मल एपेटाइट होगी, कि ये चाक, मतलब अनडाइजेस्टिबल चीज़ें खाता है, चाक, स्टार्च और क्लॉव, मतलब लवंग, कॉफ़ी, वाटर, टी, ग्राउंड, एसिड एंड इनडाइजेस्टिबल थिंग्स। इसमें आपको फिर दिखाया है कैल्केरिया, सुराइनम और सिकुता विरोसा, इनमें क्या होती है, एबनॉर्मल एपेटाइट होती है, सारे लोग ऐसे ही चीज़ें खाते हैं। कैल्केरिया भी है इसमें, कैल्केरिया फास्ट भी है। आपको ये सारी मेडिसिनें जो हैं अनडाइजेस्टिबल थिंग्स के लिए जानी जाती हैं। और एक और मेडिसिन है बच्चे की, सीना, सीना में भी रेबिना संगर होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा भूख की वजह से अनडाइजेस्टिबल थिंग्स खाता है बच्चा, मिट्टी उट्टी सब खा जाता है। पोटैटो डिसएग्री, कोई भी कंप्लेन रहती है इसको, डिसएग्री रहता है पोटैटो, सो इसकी कंप्लेन बढ़ जाती है। क्रॉनिक इरेक्टेशंस फॉर ईयर, बहुत पुराने समय से इसको क्या होगा, डकार की प्रॉब्लम रहेगी। ओवर्स इन इवनिंग, और बुरी कंडीशन कब हो जाएगी, शाम के टाइम में होगी। ऑल इरिटेटिंग थिंग्स, साल्ट, वाइन, विनेगर, पेपर, इमिडिएटली प्रोड्यूस कब, जितने भी इरिटेटिंग थिंग्स होते हैं इसको इरिटेट करने वाले, जैसा कि साल्ट, वाइन, विनेगर, पेपर, इमिडिएटली तुरंत जो है प्रोड्यूस करते हैं क्या, कफ। ये सब चीज़ें खाने पीने के बाद इनको तुरंत कफ हो जाती है। फिर आगे पॉइंट में चलते हैं, कॉन्स्टिपेशन, नो डिजायर फॉर एंड नो अबिलिटी टू पास स्टूल अंटिल देयर इज ए लार्ज एक्युमुलेशन। अब इसमें दिया है कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा इसको होता है कि इसको डिजायर नहीं होती है, इसको क्षमता नहीं होती है कि पास करे स्टूल, यहाँ तक अंटिल देयर इज ए लार्ज एक्युमुलेशन, बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाता है रेक्टम में स्टूल, तब भी नहीं। ये मिली लोटा सलवा भी एक मेडिसिन है, सेम पॉइंट यही लिखा हुआ है, उसमें भी ऐसा सिम्टम देखने को मिल जाएगा आपको। ग्रेट स्ट्रेनिंग मस्ट ग्रैप्स द सीट ऑफ क्लोज टाइटली,
ये कह रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता है, इनको प्रेशर लगाना पड़ता है, ज़रूर से ज़रूर ये ग्रैब्स कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं किसको, सीट जो होती है शौचालय घर की उसको ये पकड़ लेते हैं, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। स्टूल हार्ड नाटी लाइक ए लॉरल, इतना ज़्यादा हार्ड होता है स्टूल जैसे कि लॉरल, एक माले की तरह हो जाता है। जो अगर गांव के लोग होंगे मैक्सिमम तो बकरी होती है, बकरी की स्टूल जैसे रिवन लाइक हो जाता है। बैरिज कवर विद द म्यूकस, और क्या होता है साथ साथ में, इतना कॉन्स्टिपेशन के बावजूद क्या होता है, म्यूकस से कवर होता है। अब सॉफ्ट क्ले अडहेरिंग टू द पार्ट, प्लेटिना में भी है ये। और एक मेडिसिन और है मैग्नीशिया म्यूर, मैग्नीशिया म्यूर में भी ये चीज़ें हैं, हार्ड नाटी बाल लाइक स्टूल, ये चीज़ें मैग्नीशिया म्यूर में भी है, मैग म्यूर, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। रेक्टम इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर टू द ग्रेट स्ट्रेनिंग, इन एक्टिविटी ऑफ रेक्टम इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेनिंग। अब इसमें लिखा हुआ है इन एक्टिविटी ऑफ रेक्टम, उसको क्षमता नहीं होती रेक्टम में, इवन सॉफ्ट स्टूल को भी जो है स्ट्रेन करता है, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। एनाकार्डियम में भी है, प्लेटिना है, साइलिशिया है। साइलिशिया में क्या होता है, बैसफुल स्टूल होता है, मतलब इतना ज़्यादा सॉलिड होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा फिर अंदर चला जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा फिर अंदर चला जाएगा, इस टाइप का होता है, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। ब्रेट्रम अल्बम कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रेन, कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रेन ये लिखा हुआ जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन इन टीथिंग चिल्ड्रेन अगर बात आएगी, टीथिंग चिल्ड्रेन बच्चा का अगर दांत निकल रहा है तो उस कंडीशन में आपको मैग म्यूर एक मेडिसिन है उसमें टीथिंग चिल्ड्रेन के समय में। फिर लिखा हुआ कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड, अगर वो आर्टिफिशियल फूड मतलब जो दूध पिलाते हैं लोग बच्चे को प्लास्टिक वाला, उससे जो है निप्पल से, उसमें जो है कि कॉन्स्टिपेशन होता है तो बच्चे को यूज कर सकते हैं। बॉटल फीड बेबीज ऑफ द ओल्ड पीपल, लाइकोपोडियम और ओपियम में भी है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रेन तो पढ़े लिए, कॉन्स्टिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर ये पॉइंट आता है तो कॉन्स्टिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम, मतलब क्षमता नहीं होती है रेक्टम की उस कंडीशन में, और पैरालिजिस कंडीशन मान सकते हैं तो रेक्टम की होती है वो भी प्रेगनेंसी के समय में, तो एक सीपिया मेडिसिन है, सीपिया में भी ये चीज़ें हैं। डायरिया विद सी यूरिनेट, डायरिया कब होता है, व्हेन सी यूरिनेट, जब वो पेशाब करने जाता है तो उस टाइम इसको क्या होता है, पेशाब करने जाता है तो उसको डायरिया होती है। और डायरिया एक कंडीशन में और होती है, और बुकों में लिखा हुआ है, एलेंस के नोट में नहीं है हालांकि एलुना में, डायरिया व्हेन ईटिंग पोटैटो, जब ये पोटैटो खाता है मतलब या पोटैटो से चीज़ें बनी कोई भी खाता है तो उसको क्या होता है, डायरिया हो जाती है, क्योंकि पोटैटो डिसएग्री होता है ना। हैज टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट, ल्यूकोरिया एक्रिड एंड प्रोफ्यूज, फीमेल के केस में क्या होगी, ल्यूकोरिया होगी, एक्रिड होगी बहुत तीक्ष्ण होगी और प्रोफ्यूज होगी। रनिंग डाउन टू द हिल, ये देखिए बहुत अच्छा सिम्टम है, रनिंग डाउन टू द हिल, और ये ल्यूकोरिया डाउन होगी कहाँ तक जाएगी, हिल तक जाएगी। ये सिप्लाइनम एक मेडिसिन है उसमें भी, मगर सिप्लाइनम में ये डिफरेंस होता है, सिप्लाइनम की ल्यूकोरिया जो होती है स्पेशली एट नाइट होती है, और ये एल्बुना की स्पेशली इन द डे टाइम होती है, हालांकि आगे लिखा हुआ है वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, और बुरी कंडीशन हो जाती है ल्यूकोरिया की डे टाइम में एल्बुना में, जबकि सिप्लाइनम में कंपेरिजन किया वो नाइट में बढ़ती है, आप वहाँ पर पढ़िएगा देखिएगा। ल्यूकोरिया एम्बलोरेट बाय द कोल्ड बाथिंग, हालांकि देखिए चीली पेशेंट है मगर इसको ल्यूकोरिया में कब आराम मिल रहा है, कोल्ड बाथिंग से, आफ्टर मेंसेज, मेंसेज के बाद भी जो है ल्यूकोरिया होती है तो उसमें इसको आराम मिलता है, सॉरी आफ्टर मेंसेज एग्जॉस्टेड
फिजिकली एंड मेंटली। मेंसेज की बात क्या है ये, मेंटली और फिजिकली क्या होती है, एग्जॉस्टेड हो जाती है, बहुत थकान फील करती है। स्कार्सली एबल टू स्पीक, यहाँ तक कि वो बोलने में भी असमर्थ होती है। ये चीज़ें काकुलस इंडिका एक मेडिसिन है, उसमें भी है कार्बोएनामिलिस कि मेंसेज के बाद जो है कि पेशेंट एकदम, आपको ऐसे कभी कभी क्लिनिकल वे में आपको मिल सकते हैं पेशेंट, बोलेंगे कि हमको मेंसेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम एकदम थकान थकान हो जाती है, पूरी बॉडी दर्द करने लगती है, बोलने की हिम्मत नहीं होती है। टॉकिंग फटीग मतलब बोलती है तो थक जाती है, और वॉकिंग फटीग होगा तो यहीं पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, वॉकिंग फटीग होगा यहाँ पर, वॉकिंग फटीग हो जाएगा मतलब चलने के बाद थक जाएगा, तो कैलकेरिया एक मेडिसिन है, वहाँ पे कैलकेरिया के बारे में सोचेंगे। फेंट एंड टायर्ड मस्ट सिट डाउन, एकदम मूर्छित हो जाती है पेशेंट और थक जाती है और उसको सोने की इच्छा होती है, मस्ट सिट डाउन। अब रिलेशन की बात करते हैं इसकी, तो कॉम्प्लीमेंट्री है इसकी टू ब्रानिया, क्योंकि ब्रानिया एक्यूट होती है एल्मोना की, सब कुछ ऐसे ही होता है, बस ब्रानिया का क्या होता है, एल्मोना स्लो होती है मेंटली और फिजिकली, हर चीज़ का स्लो होता है, जबकि ब्रानिया एकदम हर चीज़ में फास्ट है। ब्रानिया हॉट है और एल्मोना चीली है। कॉम्प्लीमेंट्री टू ब्रानिया फॉलोज किया जाता है ब्रानिया लैकेसिस सल्फर, एल्मोना इज द क्रॉनिक ऑफ ब्रानिया, जैसा कि हमने बताया ना कि ये चीज़ें क्या हैं, फास्ट है सब कुछ इसका, ब्रानिया क्या, तो ये एक्यूट में होता है। एक्यूट क्या होता है, एक्यूट डिजीज जो होती है सडन एंड वायलेंट आती है, मतलब बहुत जल्दी आती है, ठीक है, तो ऐसे ब्रानिया, तो ब्रानिया बहुत फास्ट होता है और हर चीज़ इसका अलग होता है, थर्मल थ्रस्ट सब कुछ, वो चीली होता है ये हॉट होता है ब्रानिया, एल्मोना थ्रस्टलेस होता है ये थ्रस्टी होता है। एल्मोना की मेंटली और फिजिकली क्या होता है, डल होता है, धीमे धीमे कंप्लेन आती है, ब्रानिया की बहुत फास्ट आती है। फिर लिखा हुआ है रिलेशनशिप में सिमिलर टू बराइटा कार्ब, बराइटा कार्ब के सिमिलर इसलिए क्योंकि उसका मेंटल क्या होता है, वीकनेस होती है, फिजिकली भी वीक होता है और जो होता है कि चीली पेशेंट होता है, कंप्रेहेंशन डेम होती है। अगर मेंटल सिम्टम की बात करेंगे इनके, तो कोई भी चीज़ें पढ़ते उड़ते हैं तो बहुत जल्दी मतलब समझ में नहीं आता है, दो बार तीन बार पढ़ना पड़ता है, मेमोरी बहुत वीक होती है एल्मोना की भी और बराइटा कार्ब की भी। कोनियम मैक ऐसे ही है सब कुछ। रिलेशन में अभी आएंगे इन एलमेंट टू ओल्ड पीपल, कोनियम मैक की अगर कंपेरिजन किया है और बराइटा कार्ब की, ये ओल्ड कंप्लेन किया है जो बुढ़े पर्सन होते हैं उनमें। रिलेशनशिप की बात करें, सॉरी एग्रवेशन की अगर बात करें इनके कंप्लेन की, तो इनका जनरल एग्रवेशन होता है मोडलिटी में इन कोल्ड एयर से, जैसा कि मैंने बताया पहले कि चीली होते हैं इसलिए ठंडी चीज़ों से सारी चीज़ें बढ़ जाती है। ड्यूरिंग विंटर, जैसा कि स्किन वाला सिम्टम मैंने बताया एलोज का और एल्मोना का, और एक मेडिसिन और थी कौन सी, सोराइनम, इनकी कंप्लेन जो है हाईली चीली होते हैं तीनों, उनकी कंप्लेन कोल्ड वेदर से बढ़ जाती है। फिर इसके बाद व्हाइल सिटिंग, जब ये बैठते हैं तब कंप्लेन बढ़ती है, फ्रॉम ईटिंग पोटैटो, बताया था जैसा कि पोटैटो डिसएग्री होती है, कोई भी कंप्लेन होती है तो पोटैटो खाने के बाद बढ़ जाती है। आफ्टर ईटिंग सॉप वार अल्टरनेट डे एट न्यू एंड फुल मून, फुल मून में एक और मेडिसिन है उसकी कंप्लेन बढ़ जाती है, जैसा कि एंटिम क्रूड, एंटिम क्रूड पढ़ेंगे तो उसमें फुल मून में उसकी कंप्लेन बढ़ जाती है। एम्बलरेशन कब होता है इसको, माइल्ड समर वेदर, समर वेदर में इसको क्या होता है, एम्बलरेशन होता है। एम्बलरेट फ्रॉम द वार्म ड्रिंक, गर्म चीज़ें लेने से इसको आराम मिलता है क्योंकि हाईली चीली है, बॉडी एकदम पूरी ठंडी है गर्मियों में भी। व्हाइल ईटिंग, जब खाना खा लेता है तो इसको आराम मिलता है, सोराइनम में भी है, सोराइनम में है खाना खाने के बाद आराम मिलता है, और हेडेक में खाना खाने के बाद आराम मिलता है, तो एनाकार्डियम एक मेडिसिन है उसमें। फिर दिया एम्बलरेट इन वेट वेदर, कॉस्टिकम में भी इसको क्या होता है, एम्बलरेट होता है वेट वेदर से, हालांकि देखिए चीली है मेडिसिन है मगर इसको क्या है, वेट वेदर से आराम मिलता है इसको। वेट वेदर में कंप्लेन बढ़ जाती है, एंटीम टार्ट है और अस्टाक्स है,
डलका मारा भी है। एम्लेरेशन एल्मुना इज वन ऑफ द चीफ एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग। चीफ एंटीडोट है एल्मुना किसकी, लेड पॉइजनिंग की। अगर यहीं पे चीफ ना लिख के लिखता, कुछ और लिख देता, चीफ की जगह पे अगर लिख देता बेस्ट एंटीडोट ऑफ द लेड पॉइजनिंग, जैसा कि यहाँ पे चीफ लिखा हुआ है, डिस्प्ले में आप लोग देख पा रहे हैं, चीफ की जगह पे बेस्ट एंटीडोट ऑफ एंटीडोट लिखता लेड पॉइजनिंग की, तो हो जाती है आपकी पेट्रोलियम। जैसा कि पेट्रोलियम का कंपेरिजन इसका स्क्रीन में भी है। तो दोस्तों एक पॉइंट और इसमें छूट रहा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमलरेशन होता है पेंटर्स कोलिक एलिमेंट फ्रॉम लेड। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं।